नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को संपन्न कराने के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियों को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। DM और SSP समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में EVM सहित अन्य सामान वितरित कर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इसके लिए जिले को 28 जोन और 188 सेक्टरों में बांटा गया है। सोमवार को पुलिस लाइन में DM रमेश रंजन और SSP सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। DM और SSP ने इस दौरान मतदान ड्यूटी में लगे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को सकुशल मतदान संपन्न कराने के लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SSP ने बताया कि जिले की 5 विधानसभाओं में शुकवाबाद, सिरसागंज, फिरोजाबाद, जतराना और टूंडला क्षेत्र के कुल 1285 मतदान केंद्रों, 2053 मतदान स्थलों पर मतदान किया जाएगा, जिसको 28 जोन और 188 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सभी मतदान स्थलों पर केंद्रीय पुलिस बल, PAC, नागरिक सुरक्षा बल, पुलिस एवं होमगार्ड की तैनाती की गई है। आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कराने एवं प्रत्येक मतदेय स्थल पर निष्पक्ष वोटिंग एवं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक विधानसभा में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिंग सर्विलांस टीम पर कुल 15-15 टीम लगातार भ्रमणशील रहकर चेकिंग करेगी। साथ ही जिले में 116 क्लस्टर मोबाइल और 44 QRT, 28 जोनल मजिस्ट्रेट जोनल पुलिस मोबाइल, 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल, 188 सेक्टर पुलिस मोबाइल, 31 अंतर जनपदीय बैरियर, 44 स्थानों पर टिकट पुलिस ड्यूटी चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगाई गई है। स्टेटिक सर्विलांस टीम जिले में स्थापित बैरियर चेक पोस्ट पर मतदान समाप्ति तक चेकिंग का कार्य करेगी। सोशल मीडिया टीम द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे सतर्क निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो देखते रहिए C20 न्यूज। सामने आप लोग देख रहे हैं अपनी जो पूरी पोलिंग की टीम है, यहाँ से आज रवाना हो रही है। उन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौके पर भी किया गया है। हीट वेव को भी देखते हुए जितने अपने बूथ थे वहाँ AMF के अलावा अलग से सेट लगाने के लिए, क्यू के ऊपर सेट लगाने का, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, टॉयलेट की फैसिलिटी, रूम के भीतर पंखे बिल्कुल संचालित हैं, सारी चीज़ें की गई हैं। प्लस अपने लगभग 188 सेक्टर से सारे जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर डिप्लॉयड हैं। अभी पार्टी संख्या 2106 प्रेम नारायण PO फर्स्ट। मेजर पार्ट इसमें ये देखना है कि अब लोगों से अपील यही रहेगा, चुनाव में हमारी पूरी टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, CAPF की टीम, जो बाहर से फोर्स है उसकी टीम, सब लोग हाईली एक्टिव हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील है, जिनका भी मतदाता सूची में नाम है, कृपया करके आप लोग बूथ पर आएँ, 100% मतदान में सब लोग पार्टिसिपेट करें। लोकतंतर का ये सबसे बड़ा महापर्व है, तो पुनः सबसे अपील है आप लोग पहुँचे। बाकी प्रशासन के द्वारा बूथ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और वही है कि सब लोग पहुंचिए, इसमें पार्टिसिपेट करें। सर, कितने सेक्टर हैं, कितने जोन बनाए गए हैं और क्या क्या दिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? देखिए, अब तो लास्ट डे है, टोटल 188 सेक्टर्स पूरे जनपद के अलग अलग जो अपने विधानसभा सब जगह बने हुए हैं, उतने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, काफ़ी जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। आपके माध्यम से ये भी बताऊँगा, लगभग 50% से ज़्यादा बूथ पर वेबकास्टिंग भी किया जा रहा है। वो वेबकास्टिंग के द्वारा ECI का जो पोर्टल है वहाँ पर सारा डेटा लाइव रहता है और हम लोग भी तुरंत रियल टाइम में देख पाते हैं किसी बूथ पर कोई समस्या है कि नहीं। इसके साथ ही जितने क्रिटिकल सेंटर्स थे उन सब जगह CAPF की डिप्लॉयमेंट है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगे हैं, उसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट काफ़ी जगह लगे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कमीशन के जितने नॉर्म्स हैं सारे 100% कंप्लीट करा दिया गया और टीम भी लगभग मान के चलते हैं 4 बजे तक सब अपने सेंटर पर पहुँच भी जाएंगे। बूथ पर भी अच्छी व्यवस्था किया गया है ताकि मतदाता निकलें। काफ़ी जगह लगभग 500+ जो सेंटर्स हैं हमारे, उसको मॉडल पोलिंग सेंटर में कन्वर्ट किया गया। मॉडल कहने का मतलब वहाँ लोगों को वेलकम करने के लिए चीज़ें हैं, पानी की व्यवस्था है, ऊपर से सेट लगे हुए हैं, बलून लगे हुए हैं, सेल्फी बूथ बना हुआ है, तो सारी व्यवस्थाएँ कंप्लीट है, बस लोग निकले। सर, मई का महीना चल रहा है, जैसे कि 2 चरणों में मतदान हुआ था, लोग नहीं निकल पा रहे थे गर्मी के वजह से, तो पेयजल व्यवस्था नहीं की गई नहीं स्थानों पर, तो जिसका 2% डाउन भी हुआ था, लेकिन अपने फिरोजाबाद में किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, इस बार बिल्कुल पिछले 1 महीने में हमारे जितने पोलिंग सेंटर्स हैं उसको
जो ब्लॉक की टीम है, नगर निगम नगर पालिकाओं की टीम के माध्यम से बिल्कुल इंश्योर करा लिया गया है। कहीं पर भी ड्रिंकिंग वाटर की न कोई समस्या फंक्शनल है। उसके अलावा भी हम थोड़ा ठंडा पानी के लिए घड़े में या जो जार में 20 लीटर का हो उसकी व्यवस्था भी सारे बूथ पर अलग से करवा दिया गया है। वहाँ हमारे अलग से लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई है ताकि वो समय समय से उसको रिफिल करा सकें। गर्मी हीट वेव को देखते हुए जैसा कि पहले ही कहा कि सेट की व्यवस्था सब जगह किया गया है, 100% हम लोगों ने सब जगह सेट से आच्छादित किया हुआ है ताकि ये दोनों समस्या किसी के साथ नहीं हो। प्लस हीट वेव है तो लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो भींगा तौलिया कुछ कपड़े लेकर माथे पर लेकर समय निकले टेम्परेचर के समय में। दूसरा उसका ये भी रहता है कि आप अर्ली मॉर्निंग चलिए जितना चले जाएँ 11 बजे के पहले और फिर इवनिंग में 3 बजे के बाद, तो उस पर भी रहता है। बाकी लोग शाम का इंतजार न करें, काफ़ी लोग दिन भर नहीं जाते भी और लेट पहुँचते हैं 5:30 बजे 6 बजे, तो 6 बजे तक का मतदान है। आप सुबह सुबह आइए, जलपान बाद में करें, मतदान पहले पार्टिसिपेट करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सर, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मेरे साथ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें 2053 बूथों पे जनपद फिरोजाबाद के सभी नागरिक अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए न सिर्फ जनपद बल्कि अन्य जनपदों के कुल 7 अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है। इसके साथ ही 27 कंपनी से ज़्यादा पैरामिलिट्री और स्टेट आर्म पुलिस की गोलियाँ इनके साथ लगाई गई हैं। हम लोगों ने जनपद स्तर पर 117 क्लस्टर मोबाइल का गठन किया है। प्रत्येक थाने पर 2-2 QRT का भी गठन किया गया है, जिससे कहीं भी कोई प्रतिकूल सूचना यदि मिलती है अथवा किसी प्रकार की सूचना मिलती है उसको तुरंत पुलिस और राजस्व की टीमों के द्वारा, जो भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा अटेंड कर लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है और कल होने वाले निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है समस्त पुलिस फोर्स की और हम लोग को आशा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान संपूर्ण कराए। सर, कंट्रोल रूम की क्या व्यवस्था की गई है? जो कंट्रोल रूम है हमारा, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि कल सुबह 6 बजे से ही किसी प्रकार की अगर कॉल अथवा व्हाट्सएप पर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है उसको तुरंत वेरीफाई किया जाएगा। हमारा एक कम्युनिकेशन प्लान रेडी है जिससे कि बूथ लेवल तक के जो भी पुलिसकर्मी हैं उन सभी लोगों के दूरभाष नंबर उस पर ऐड कर दिए गए हैं। जितने हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनका भी दूरभाष नंबर हम लोगों ने कंट्रोल रूम में फीड करा दिया है, जिससे कि सूचना प्राप्त होने के 10 से 15 मिनट के भीतर ही उस सूचना को अटेंड कर लिया जाए और समय रहते उसका निराकरण करा दिया जाए। थैंक यू सर। ये थी हमारे यहाँ पे आरफा बेगम के हस्बैंड जो FH हॉस्पिटल से, हमारे यहाँ पे टोटल क्या कहते हैं 2053 बूथ में सभी पीठासीन अधिकारी और उनके साथ सारे अधिकारी लगे हुए हैं, जिसका 10% रिजर्व की ड्यूटी सभी की लगी हुई है और आज यहाँ पे रिसीव भी हो रही है और सब लोग अपनी सामग्री और ये सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। साथ ही में इनकी सहायता हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट्स मॉनिटरिंग के लिए उनके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और सहायक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं। इनके जो हमारे पार्टीज हैं उनकी रवानगी इस समय चल रही है मौजूदा में और काफ़ी पार्टीज हैं जो इस समय बसेस में अपने बैठ भी गई हैं रवानगी के लिए और बाकी सबको अभी इकट्ठा कर